नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों अभी मैं अलमाटी कजाकिस्तान में हूँ, यहाँ से MBBS कर रहा हूँ, फिफ्थ ईयर का स्टूडेंट हूँ। अभी 2023 9 दिसंबर है आज, और इस साल की पहली स्नोफॉल हुई है यहाँ। इस साल थोड़ा लेट हो गया, कहीं ना कहीं क्रिकेट टीम में चेंजेज आ रहे हैं। पहले जब अपन फर्स्ट ईयर में आए थे तो ये आपके नवंबर में स्नो हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे ग्रीन हाउस प्रभाव से तमाम तरीके के इफेक्ट आ रहे हैं एनवायरनमेंट में, इसलिए पिछले साल की तुलना में थोड़ी लेट स्नो हुई है। लेकिन जो चार ओवर का ये आपको एनवायरनमेंट है, चार ओवर की ये जो लोकेशन है, सीनरी बहुत अच्छी स्पष्ट नज़र आ रही है। एक बार मैं बैक कैमरे से आपके लिए दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी कल रात को स्नो हुई थी यहाँ पर, और जो टेम्परेचर है वो घट के -7, -8, -9, -10 तक जा चुका है। और अभी जो गूगल अर्थ पे आने वाले 10 दिन के अंदर टेम्परेचर आपका -20, -25, -26 तक जाएगा, उसके बाद से नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा। और इस टेम्परेचर का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि जो जिसमें अपन रहते हैं, जो यहाँ के फ्लैट या दोम है, उस तरीके का उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि आपको अंदर बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर लगता है। अंदर हीटर लगे हुए हैं, जो यहाँ गर्म वाटर सप्लाई होती है उसके बेसिस पे उनमें एक अच्छी हीट निकलती है। इसके अलावा दोस्तों मैं जो यहाँ का अलमाटी सा थोड़ा सा आउट ऑफ एरिया है, जो घर टाइप के हैं, दोम टाइप के हैं, उधर आया हुआ हूँ। आपको दिखाता हूँ किस तरीके की, देखें उनके बर्फ़ जमी हुई है बिल्कुल शिमला कश्मीर में, जिस तरीके के ट्राइंगल जो इनकी छतें बनाई हुई है, देखो आप एक बार, बैक कैमरा करता हूँ मैं। दोस्तों अभी अपने दोम से निकलकर बाहर आया और काफ़ी अच्छा मौसम लगा। देखो प्रकृति की क्या महिमा है, कल कुछ अलग था इस टाइम। अब चारों ओर पूरा वाइट बैकग्राउंड हो चुका है, जो दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। इसके अलावा आप मेरे पीछे देखो दोस्तों, आपका 2 मंजिल का ये दोम दिखाई दे रहा होगा, इसमें मैं रहता हूँ, हमने लिया हुआ है। इसके अंदर 6 कैंडिडेट रहते हैं, और जो इसकी प्राइज है वो 3,50,000 है टेंगे, जो यहाँ की करेंसी है, और 1 इंडियन रुपये आजकल तो अभी 5.5, 5.6 चल रही है प्राइज। आप कैलकुलेट कर सकते हैं लगभग 70,000 का ये मिला हुआ है मंथली। और अभी मैं अंदर जाऊँगा, और मैंने कोशिश की आपको बाहर का एनवायरनमेंट दिखाने की, क्योंकि मैं थोड़ा सा आउटर रह रहा हूँ जो सिटी है, क्योंकि अभी अलमाटी में लगभग 5-6-7 हज़ार इंडियन स्टूडेंट हैं, तो इतने आसानी से यहाँ फ्लैट नहीं मिल पाते, तो कई बार एक्सटर्नल जगह भी लेना पड़ता है। और यहाँ बड़ी शांति है, बड़ा पीस एरिया है, किसी भी तरीके का कोई डिस्टर्ब नहीं है। आप मेरे पीछे देख सकते हो दोस्तों, ये पाइपलाइन जा रही है लोहे की, ये गर्म पानी की भी हो सकती है, गैस की सप्लाई भी यहाँ ऐसे ही होती है, तो हर चीज़ का बड़े बारीकी से ध्यान रखा जाता है। आप इधर देखो बिल्कुल साइलेंस है। इसके अलावा इधर मेन रोड जा रहा है, कभी बस से या टैक्सी से जाना होता है तो उधर से अपन को निकलते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ, और बिल्कुल आपको लोग भी नज़र नहीं आ रहे होंगे। देखो इधर सड़क दिखाता हूँ, क्योंकि कजाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत कम है और यहाँ के लोग काम से भी बाहर आते हैं, तो ऑल ओवर मुझे बहुत अच्छा लगा। सुनने में आपको ऐसा लगता होगा कजाकिस्तान कोई पुरानी कंट्री है या फिर ऐसे ही है, लेकिन नाम पे ना जाइएगा आप, जो यहाँ कजाकिस्तान में अलमाटी सिटी है, बहुत ही परफेक्ट सिटी है। तो दोस्तों अभी मैं अपने दोम के अंदर चलता हूँ, और यहाँ 3 नंबर दबाना होता है, उसके बाद ये आपका ओपन हो जाएगा। तो ये ओपन हो चुका है, और अभी अपन अंदर आ चुके हैं। और इसके अलावा दोस्तों ये दोम है, इधर से इसकी एंट्री है, और आने वाली वीडियो में परफेक्ट रूप से दिखाऊंगा अंदर से किस तरीके का मकान है, क्या सुविधा दे रखी है, किस तरीके का अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो आई होप दोस्तों आपको देख के अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।